दोस्तों संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम तुरई भरवा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसको घी भी बोला जाता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। तो आधा किलो हमने तुरई ली है जिसको धो लिया है। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर। चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस। चलिए पहले हम इसको छील लेंगे, इसका अच्छे से छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको छील करके और धो लिया है। और इसके इधर जो किनारे के पार्ट बचते हैं दोनों तरफ का, इसको पहले ऐसे उतार लेंगे। देखिए किनारे के पार्ट हमने निकाल दिए हैं। अब इसके और टुकड़े करेंगे, तो इसके ज्यादा छोटे नहीं करना है, ये इतने टुकड़े करूंगी। और ज्यादा बड़े बड़े रहेंगे तो उसमें भी मसाला फिर ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। ये देखिए इस तरीके से हम टुकड़े को उठाएंगे और ऐसे कट लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए, और यहीं पे हम भरेंगे मसाला। ये इस तरीके से काट लेंगे सबको, सब में कट लगा देंगे इसी तरीके से। ये देखिए एक में और लगाएंगे, ये इसी तरीके से सारे में कट लगा करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे तुरई में हमने कट लगा दिए हैं, ये इस तरीके से कट लगा रहे हैं, सब में कट लगा दिए हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये देखिए एक बर्तन ले लिया है और हम इसमें डालेंगे मसाले। तो पहले डाल रहे हैं धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और ये मिर्ची पाउडर। हम सबको इकट्ठा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से सब मिल चुका है। इसमें डालेंगे तेल, हम सरसों का तेल को यूज कर रहे हैं। इसमें ज्यादा तेल नहीं डालना है, इतना डालना है कि गीला हो जाए। इसको मसाले को अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, ज्यादा तेल इसमें नहीं ऐड करेंगे। इससे पहले करेले का भरमा करेला की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो जिसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक एक तुरई उठाएंगे और इसमें हम मसाला फिल करेंगे इस तरीके से, और इनको साइड में रखते जाएंगे। अच्छा ये देखिए हमने सारा मसाले इसमें फिल कर दिया है अच्छे से इस तरीके से। ये अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और तेज फ्लेम में गैस को जला दिया है। इसमें डालेंगे हम तेल, सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं, जो हमने तेल मसाले में डाला था वही वाला तेल है। 2 चम्मच तेल है, ज्यादा तेल इसमें नहीं डालेंगे, ज्यादा तेल नहीं लगता है। और ये जो हमने भर करके रखा है अपना ये गिलकी, उसको रख देंगे इस तरह। हमारे घर इसको गिलकी बोलते हैं, तुरई भी कह सकते हैं आप। और इसी तरीके से हम सबको रख देंगे जमा कर अच्छे से ये, और इसको हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे मंद। ये देखिए हम इसको खोल करके चेक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए पानी भी छोड़ने लगा है। अब हम इसको एक एक करके पलटेंगे। आप कभी भी जैसे भरमा करेला, भरमा परवल या भरमा ये गिलकी बनाए ना, तो चिमटे से ही पलटिए, नहीं तो उसका मसाला पूरा इसी में वो हो जाता है और फिर ये भरमा नहीं रहते, खाली हो जाते हैं पूरे। तो इस तरीके से चिमटा से ही हमेशा पलटना चाहिए। फिर से ढक देंगे। ये देखिए एक बार इसे और खोलेंगे। अब हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छे से पक गई है। इसको हमने 3-4 बार चलाया है। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, ये हमारी टेस्टी भरमा तुरई बन करके तैयार है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।